एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए दुनिया बदल रही है। सभी इंडस्ट्रीज में इस टेक्नोलॉजी ने धूम मचा दी है। एक ऐसा प्रिंटर जिससे क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता। 2D प्रिंटर तो आपने खूब देखा होगा। अरे ये वही प्रिंटर है जिससे फोटो स्टेट की जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे 3D प्रिंटर की, यानी 3D प्रिंटर की। इतिहास और विकास के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जिसने डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और रोबोटिक्स को नई दिशा दी है। इस वीडियो में हम बताएंगे 3D प्रिंटिंग क्या है, 3D प्रिंटर काम कैसे करता है, इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में और साथ ही बात होगी 3D प्रिंटिंग के भविष्य की। वर्तमान में जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका आविष्कार 1988 में एस स्कॉट क्रम्प ने किया था। 3D प्रिंटिंग को कंस्ट्रक्शन मशीनों का अपडेटेड वर्जन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो 3D प्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक डिजिटल फाइल के द्वारा 3D वाले सॉलिड ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता है। ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। इसके प्रोसेस में डिजिटल 3D मॉडल के आधार पर नंबर ऑफ लेयर्स में मटेरियल को जमा करके एक फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। पूरी 3D प्रोसेसिंग को एक साथ काम करने के लिए 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर्स और मटेरियल्स की जरूरत होती है। 3D प्रिंटर के काम करने की शुरुआत होती है एक ग्राफिक मॉडल से। जो भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना है पहले हमें उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 3D में डिजाइन करना होता है। जो सॉफ्टवेयर 3D मॉडल बनाने में यूज होते हैं वो है फ्यूजन 360, स्केचअप और टिंकरकैड। इस 3D मॉडल को प्रिंटर को भेजा जाता है और मशीन इसकी बनावट को एनालाइज करके इसे बनने में लगने वाले समय, मटेरियल और जगह की उपलब्धता का डेटा दे देती है। ये तकनीक बाकी सभी मैन्युफैक्चरिंग मशीनों से बिल्कुल अलग है क्योंकि ऑब्जेक्ट को बनाने में मेटल या प्लास्टिक किसी भी तरह के मटेरियल का वेस्टेज या कटिंग नहीं होता। जो कॉम्प्लेक्स शेप बाकी मशीन से नहीं बनाई जा सकती वो 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाना संभव है। आज इस तकनीक की मदद से हेल्थ, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग और एयरोस्पेस के साथ एविएशन में भी बेहतर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका के वेक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन में तो ह्यूमन टिश्यू बनाने वाले तरीकों पर काम हो रहा है। इसी के साथ ह्यूमन ऑर्गन्स को बनाने वाली 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है जिससे भविष्य में ऑर्गन फेलियर के मेडिकल केस में मरीज को बचाया जा सकेगा। भविष्य में मंगल ग्रह पर जाकर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेशल 3D प्रिंटर मशीन भेजी जाएगी जो उनके रहने के लिए डोम स्ट्रक्चर्स को मंगल ग्रह की ही मिट्टी से बनाएगी। भारत में मणिपाल यूनिवर्सिटी ने 2012 के बाद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अध्ययन और विकास को लेकर बिजनेस की शुरुआत की जिसे 2014 में ग्लोबल लैब्स में बदल दिया गया। हमारे इंडिजिनस प्रिंटर्स विदेशी तकनीकों की सहायता से काफी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन में इस तकनीक ने भारतीय ग्राहकों को अपने घरों को अपनी सहूलियत के हिसाब से डिजाइन करने का मौका दिया है। ये मिनिएचर लेआउट्स घरों के फाइनल लुक को दिखाने में कारगर होते हैं। डेंटल सर्जरीज में 3D प्रिंटिंग तकनीक बेहद उपयोगी है जिससे डेंचर डिजाइन के खर्च में काफी कमी आई है। हेल्थ के साथ ज्वेलरी डिजाइनिंग में भी ये तकनीक भारत में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। भारत के साथ पूरे विश्व में ये तकनीक अपने शुरुआती दिनों में है लेकिन भविष्य में बहुत सी संभावनाएं समेटे ये सेक्टर हमारी रोजमर्रा की जरूरत बनने वाला है। इस तरह की और कई टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और अपने सुझाव हमसे शेयर करें।